Indian farmers in eastern Siliguri city have adopted the greenhouse technique to grow tomatoes during the rainy season. The technique, which is used in Israel, requires warm and fairly dry weather. The horticulture department is helping the farmers of the region. Around 10,000 tomato saplings have been planted, which has resulted in good quality production and are being sold in other parts of the country. मकसद हमारा मूल रूप से यही है कि ऑफ सीजन में बरसात में और गर्मी के महीनों में हमारे यहाँ के जो फार्मर हैं वो टोमेटो प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं ओपन फील्ड में, तो उसके जो टोमेटो आता था वो बाहर से मंगाना पड़ता था, जैसे नासिक से आता है चाहे बेंगलोर से आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहीं पे इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी बाहर में लोग अडॉप्ट करते हैं फार्मर, उस टेक्नोलॉजी को हम उत्तर बंगाल में ले आएँ। तो हम लोगों ने उसके लिए फिर इसराइल से जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाउस की, वहाँ से कुछ मदद ली और ये पूरा पूरी हाईटेक ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस हम लोगों ने इस लुची पोखरी फांसीदेवा ब्लॉक में हम लोगों ने इंस्टॉल किया। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर कल्टिवेशन। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन अंडर सच सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोड्यूस। The Israeli greenhouse technique involves usage of developed computer hardware, software, automated water supply to plants, and also offers climate control.